हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। पागलपन की हद तक सेल्फी लेने का जुनून एक और नौजवान जान से गया। ओकाड़ा और बारी दोआब में नौजवान सेल्फी लेते हुए नहर में डूब गया, तलाश जारी। कराची के साहिल पर रेस लगाती गाड़ियों के टकराने पर जानलेवा झगड़ा, फायरिंग से जख्मी कार सवार दम तोड़ गया, मृतक पुलिस के हाथ न आया, तलाश जारी। बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत ऑपरेशन जारी। आईएसपीआर के मुताबिक कलदम तंजीम के 11 दहशतगर्दों को धर लिया गया, बड़ी तादाद में असलहा और बारूद बरामद। दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान के इकदाम नजर आने चाहिए, ये पाकिस्तान के मफाद में है। अमरीकी वजीर दिफा की दौरे पाकिस्तान से कबल गुफ्तगू, पाकिस्तान से पूछेंगे कि अफगान मुफामती हमले में वो क्या किरदार अदा कर सकता है। जेम्स मिटस कल पाकिस्तान पहुंचेंगे, वजीर आजम और आर्मी चीफ से मुलाकातें होंगी। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले 4 पाकिस्तानियों की गाड़ी यूनान में खाई में जा गिरी, 4 नौजवान जा बहक, 2 का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से था। नवाज जरदारी ताल्लुकात बहुत उम्मीद पैदा हो गई, मंजूर वसाम कहते हैं नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात हो सकती है, बिलावल और मरियम की मुलाकात का भी इम्कान है। में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की कोई जगह नहीं, ये एस्टेब्लिशमेंट का तैयार करता है। सीडीए या कुछ दूसरे नामों से हमेशा 90s पार्टियां बनी है, सपोर्टेड बाय एस्टेब्लिशमेंट। पार्टी और कयादत को दरपेश चैलेंजेस से कैसे निपटा जाए, कल इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में मुशावरत होगी। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और वजीर आला पंजाब भी शिरकत करेंगे।